हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल घरेलू शिक्षा पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जले हुए प्रेस को हम बिल्कुल आसान तरीके से कैसे क्लीन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा प्रेस है, मैं कपड़ा प्रेस कर रही थी, गलती से मेरा कपड़ा इसमें चिपक गया, जिससे जो नीचे तला होता है प्रेस का वो खराब हो जाता है। तो ये देखिए, कपड़ा इसमें जल के चिपक गया है। अब मैं दूसरे कपड़े को प्रेस करूंगी, ये जब गर्म होगा तो दूसरा कपड़ा भी जो है वो खराब हो जाएगा या तो चिपकने लगेगा। तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से कैसे क्लीन कर सकते हैं बिल्कुल घर में, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। एक बात और बताती हूँ फ्रेंड, जैसे कि कपड़ा चिपक गया तो ये देख रहे हैं ना आप, जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी नुकीले चीज से जले हुए को निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे हमारा प्रेस खराब होता है, इसकी जो नीचे तला है वो बिल्कुल ही खराब हो जाती है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही सुरक्षित तरीके से, सेफ्टी तरीके से आपके प्रेस जो है वो क्लीन हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो को आप लोग स्टार्ट से लेके एंड तक जरूर देखें, ताकि ये जानकारी आप लोग भी पा सके कि प्रेस को हम बहुत ही आसान तरीके से कैसे साफ कर सकते हैं। हमें चाहिए मेडिसिन। देखिए, आप लोगों के पास कई बार एक्सपायरी मेडिसिन भी होते हैं, या तो एक्सपायरी नहीं है तो आप जैसे क्रोशिन वगैरह का हो गया, आयरन वगैरह, कैल्शियम का हो गया, तो वो टेबलेट भी आप ले सकते हैं। आपको ये टेबलेट ऐसे लंबा वाला लेना है, ताकि हम इसका जब इस्तेमाल करेंगे ना, अभी आपको मैं बताऊंगी कि कैसे इस्तेमाल करना है, तो जब इस्तेमाल करेंगे तो हमको इसे अच्छे से पकड़ते बने। तो मैंने ले लिए हैं टेबलेट्स, आप एक्सपायरी टेबलेट भी ले सकते हैं, या तो फिर आप इसको साफ करना चाहते हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा मेडिसिन है तो आप उसको भी ले सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, प्रेस को गर्म कर लेना है। टेबलेट मैंने ले लिए हैं, अब प्रेस को मैं गर्म कर देती हूँ थोड़ा सा। तो मैंने ये प्लग लगा दिए हैं प्रेस को गर्म करने के लिए। प्रेस जो है मेरा गर्म होने लगा है, अभी ये हल्का गर्म है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए और गर्म कर लेती हूँ। बहुत ही आसान ट्रिक है फ्रेंड्स, आप भी इसको जरूर अपनाएं। आप जब इसको अपनाएंगे ना और इस्तेमाल करके देखेंगे, तो आप इस ट्रिक को हमेशा अपनाना चाहेंगे। बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा ट्रिक है जले हुए प्रेस को क्लीन करने के लिए। मैंने लिए हैं इसको, मैं अब ये प्रेस जहाँ पे कपड़ा चिपक गया है, जला है, उस पर रगड़ूंगी तो ये जो जला हुआ है ना वो बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा। इसलिए मैं बोली थी कि हमें मेडिसिन जो है लंबा लेना है, ताकि हमें इसको अच्छे से पकड़ते बने। हमारा प्रेस जो है अच्छे से गर्म हो चुका है, गर्म हो गया है, इसमें से ताव निकल रहे हैं, तो अभी हमें क्या करना है, मेडिसिन को इसमें रगड़ना है। तो देखिए, मेडिसिन में देखिए आप, यहाँ पास काला काला निकल रहा है ना, मेरा मेडिसिन में काला काला लग गया है। देखिए, कपड़े का जला हुआ है ये, और आप यहाँ पास को देखिए कैसे साफ हो रहा है। तो हमें इसको अच्छे से रगड़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे क्लीन हो रहा है हमारा प्रेस जो है, आप खुद देख सकते हैं मेडिसिन में कैसे कपड़ा जला हुआ था, चिपका हुआ निकल रहा है, ये देखिए। मेडिसिन आपका खत्म हो जाए तो आप दूसरा मेडिसिन भी ले सकते हैं, ज्यादा जला हुआ है इसलिए दो तीन मेडिसिन तो लग ही जाएगा। अगर कम जला हुआ रहता है तो एक मेडिसिन में ही साफ हो जाता है, लेकिन आप यहाँ पर फर्क देख सकते हैं कैसे क्लीन हो गया है। इधर का आपको साफ करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें का कालापन काफी हद तक पूरा क्लीन हो गया है। मेरा मेडिसिन भी थोड़ा सा बचा है, देखिए कैसे काला काला निकला, जितना भी जला हुआ था आप देख सकते हैं कितने बुरी तरीके से जला था, और ये कैसे हो गया है। तो मेडिसिन जो है बहुत ही अच्छा काम करता है जले हुए प्रेस को क्लीन करने के लिए। तो इसका इस्तेमाल आप भी जरूर कीजिए और अपने प्रेस को बिल्कुल ही क्लीन कीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको साफ कपड़े से पोंछ लेंगे। तो मैं पहले प्रेस को बंद कर लेती हूँ, ये मैंने प्रेस का प्लग निकाल दिया है, अब मैं इसको आपको साफ करके दिखाती हूँ। तो ये गर्म रहेगा, आपको इसको छूना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा गर्म है। देखिए कैसे निकल रहे हैं काला काला, और आप देख सकते हैं हमारा प्रेस जो है कैसे पूरी तरीके से क्लीन हुआ है। अभी मेडिसिन इसको रगड़े हैं, इसलिए व्हाइट व्हाइट जिसे है, जैसे नॉर्मल होगा, ठंडा होगा। आप कपड़े को थोड़ा सा गीला करके इसको पोंछ दीजिएगा, बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा।
देखिए हमारा प्रेस कैसे चमकने लगा है। तो इसी तरीके से आप भी मेडिशन से अपने जेली प्रेस को क्लीन करें। वीडियो आपको पसंद आया हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरीके के यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल घरेलू शिक्षा को सब्सक्राइब कीजिएगा।